निकालेंगे, गिनती 14 उसका 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, वो मेरे पीछे पूरी तरह से चला है, आधे कच्चे मन से नहीं। ये कालेब के विषय में बात हो रही है, ये नहीं है कि आज चला, वो पूरी रीति से पूरा समय प्रभु के पीछे चला। ये नहीं कि इसमें ठीक है प्रभु, इसमें देख लूंगा, पर ये नहीं, चाहे उसकी फैमिली थी, चाहे उसकी मैरिज थी, पूरी रीति से वो प्रभु के पीछे था। यहोशू 14 उसका 8। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। आधी बात नहीं, चर्च जा जाऊंगा प्रभु, पर मैं दशमांश नहीं दूंगा अपना, प्रार्थना कर लूंगा पर उपवास नहीं मुझसे होता। अनन्या सफीरा ने वायदा तो किया था, बात तो मानी पर पूरी रीति से नहीं मानी। आज प्रभु चाहता है हम पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। यहाँ पे मेरा फायदा हो रहा है तो यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं कुछ करूंगा। बहुत सारे लोग प्रभु को देते तो हैं, हाँ, पर प्लेट में जो आखिरी का बचा कुचा होता है, आखिरी चम्मच, वो प्रभु को देते हैं। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। जो आप सब कुछ को प्रभु को समर्पित करते हो फिर प्रभु भी जानता है आपको कैसे देना है। जगह जो पांव जिस भूमि पर तू रखा आया है वो तेरी होगी। अभी लाल समुंदर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और प्रभु बोल रहा है आगे चल। आपको ध्यान नहीं देना कि यार लाल समुंदर है तो क्या होगा क्या नहीं है, आपको प्रभु की आवाज सुननी है। आप आगे कदम बढ़ाते हो, आप जानते हो, आप भरोसा करते हो, इसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो मार्ग तैयार करेगा। नीति वचन 21 उसका 26 में लिखा है, परंतु धर्मी लगातार दान करता है। आप दे देते हो, आप उसमें से रख नहीं छोड़ते। हनन्या सफीरा ने दिया तो था पर उसमें से रख छोड़ा। दुनिया के आकर्षण आपको बुला रहे हैं, आपको पता है मैंने अपने आप को दे दिया है, अब मेरी इच्छा नहीं है, अब लोगों की इच्छा नहीं है, अब परिवार की इच्छा नहीं है, अब मुझ में परमेश्वर की इच्छा है जिसको मैंने अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया। मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हमारी लाइफ में सब कुछ बलिदान करके प्रभु का चुनाव करना। प्रभु का राज्य क्या है? एक व्यक्ति जिसको वो खेत मिला, इसमें गड़ा हुआ धन था, उसके लिए उसने सब कुछ बलिदान कर दिया और उस खेत को मोल ले लिया। रोमियो 1:9। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किस रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। उसकी सेवा मैं कच्चे मन से नहीं, अपनी आत्मा से, पूर्ण रीति से, पूरे समर्पण के साथ करता हूँ। आज प्रभु की सेवा जबरदस्ती नहीं, आज प्रभु की सेवा पूर्ण रीति से। आपको प्रभु ने सेवा दी है, ये प्रभु का अनुग्रह है। मत्ती 22:36। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, पूरे मन के साथ। अब ये नहीं कि आप चर्च में तो हो, आपका मन कुछ और चीजें इमेजिन कर रहा है, अपने हृदय के साथ पूर्ण रीति से प्रभु के पास हो। तो पता है, अब हर एक चीज के साथ प्रभु पर फोकस। चर्च जाना है, प्रभु के काम करने हैं, उलझना नहीं है, भटकना नहीं है, अब अपने माइंड को फोकस में लाते हो। फिलिप्पियों 3। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसने अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ बलिदान करके, सब कुछ कूड़ा समझ के अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को दे दिया। आज लोग घमंड करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। पौलुस कहता, अगर घमंडी करना होता शारीरिक वस्तुओं पे तो तुमसे बढ़ के घमंड करने की बातें मेरे पास है। आज तुम छोटी छोटी बातों पे घमंड करते हो, पता नहीं मैं क्या हूँ। और उसके अगर मैं अपनी पे आ गया, ये सारे चीजें हैं जो मेरी लाइफ में हैं और सब कूड़ा है, निकालेंगे। दूसरा राजा 23। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा
बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं उसकी चेतावनियां उसकी विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करना क्या है? जो वो बोलता है आप करते हो, आप सोच विचार नहीं करते प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर ले, प्रभु ये नहीं कर पाऊंगा, प्रभु ये कर दूंगा, नहीं, पूर्ण समर्पण। आपने सुना और कदम बढ़ाया, लाल समुंदर की ओर बढ़, तो आप रास्ते की इंतजार नहीं करते और कदम बढ़ाते हो। परिस्थितियां बहुत बड़ी साथ नहीं देते, लोग साथ नहीं देते, आपका परिवार आपका साथ नहीं देता, रिश्तेदार आपकी खिलाफत में खड़े हो जाते हैं, पर क्या उसके बावजूद भी आप प्रभु की आज्ञा को मानोगे? पूर्ण समर्पण। अकेले खड़े हो, सब खिलाफ हैं, पर आपने अपने आप को दिया हुआ है। समाज आपको मार भी दे पर आप इनकार नहीं करोगे, आप समझौते नहीं करोगे, आप प्रभु से फिरोगे नहीं। पूर्ण रीति से मैंने अपने आप को दे दिया है, अब मुझ में मैं नहीं, अब मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। अगर आप इसका 24 और 25 भी अगर हम पढ़े, फिर अजीब भूत सिद्धि वाले ग्रह देवता मूर्ति और जितने घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें इस पुस्तक में लिखी हैं जो हिल्किया याजक को यहोवा के भवन में मिली थी उनको वह पूरी करे। अगर इतनी चीजें थी तो लोग भी तो होंगे जिनकी वो थी। क्या किया उसने? सबों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। क्या सुन के? प्रभु की आवाज को सुन के। जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं थी सब खत्म कर दिया उसने। समझ रहे, हम जान रहे सीख रहे हैं प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चलना। सिर्फ मुंह की बातें नहीं है, बोल नहीं है, उसके एक्शन देखो क्या है। जब अगर बोलते हैं कि वो प्रभु के पीछे चला पूरी रीति से, ये उसके एक्शन है। बहुत लोग उसके विरोध में खड़े हुए, हमारी चीजें खराब कर रहा है, हमारे बिजनेस खराब कर रहा है, हमारे पैसे जो आ रहे थे वो खराब कर रहा है। सब इजी नहीं था, बहुत लोग उसके खिलाफ ही जादू टोना करने लगे हुए हैं, पर सबके खिलाफ होते हुए प्रभु की आवाज सुनते हुए उसने एक ही बात। हालेलुया। 25 भी पढ़ो इसका। उसके तुल्य ना तो उस देश से पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन अपने पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। कितनी कम उम्र जिया वो, 39 इयर्स, पर इतनी बड़ी छाप छोड़ के गया। प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चलने का रिजल्ट प्रभु ये गवाही दे रहा है उसके बारे में। आज बहुत रिश्ते लोगों के मूर्त बन चुके हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पारिवारिक रिश्तेदारियां ये मूर्त बन चुकी हैं। रिश्तेदारियों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को त्यागने के तैयार हैं। आज लोगों के काम प्रोफेशन लोगों के मूर्त बन चुके हैं। काम है, काम प्रथम स्थान है, ये जॉब आज ईश्वर बन चुकी है लोगों की। लोगों के काम लोगों के प्रोफेशन ईश्वर बन चुके हैं, इतना बलिदान चढ़ाने को तैयार रहते हैं दिन और रात उन कामों के लिए, ईश्वर बन चुके हैं। अपने आप को इतना चढ़ा दिया है उन फालतू की व्यर्थ चीजों के लिए, प्रभु को प्रथम स्थान देना है, प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चलना है, अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया।